गुड मॉर्निंग, दिस इज पिया चौहान। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल फाइंडिंग हैप्पीनेस विद पिया में। ओके, तो आज है वट सावित्री का व्रत, आज है सोमवार। हर मंडे के दिन मैं जाती हूँ मंदिर। शक्ल देख रहे हो मेरी कितनी भूत बनी हुई बैठी हूँ मैं, बिल्कुल 12 बज रही है क्योंकि सुबह के 5:30 हो गए हैं, 4 बजे से उठी हुई हूँ मैं। और जो जो बेसिक काम होते हैं सुबह के, किचन थोड़ा सा कल गंदा पड़ा रह गया था, किचन साफ किया मैंने अपना। अभी हमारी मेड नहीं आ रही थी, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ मुझे ही करने पड़ते हैं। तो की चाय बना के दे दी, ये बाहर का पानी भरना, कूलर भरना, सब कुछ एक्सरसाइज कर चुकी हूँ। अब जा रही हूँ नहाने। स्वेटिंग देखो जरा, सुबह कितना ज्यादा पसीना आ रहा है। दिन भर में तो बस पूछो नहीं, अभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही, एक्सट्रीम लेवल वाली गर्मी। तो चलिए फिलहाल तो मैं जाती हूँ नहाने के लिए। नहाने के आने के बाद मिलती हूँ मैं आपसे, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफी लेट हो चुकी हूँ और पूजा की तैयारी भी करनी है। तो मिलते हैं, बाय। ओके, मैं आ चुकी हूँ, अब तैयार होने जा रही हूँ, लेकिन पहले पूजा की तैयारी कर लेती हूँ मैं। साड़ी मैंने ये वाली पहनी और पीछे तो बहुत ज्यादा फैला हुआ है, इस बात को बिल्कुल ध्यान मत देना। और एक मिनट, पूजा हो रही है और हमारी सारा आ रही पूजा का सामान तैयारी करके, और हम चलते हैं अब किचन में। किचन में अपनी तैयारी करूंगी मैं फिलहाल पूजा की, फिर आपसे मिलती हूँ मंदिर में जाके। तो यहाँ पे तैयार होने के बाद मैं किचन में आ चुकी हूँ, और किचन में आने के बाद बच्चे भी लगे हुए हैं मेरे साथ ऐसे ही। घर में एक्चुअली कोई भी नहीं है, बस मोबाइल रख दिया है ऐसे ही, और लग गई थी मैं अपनी अठवाई बनाने के लिए, क्योंकि जो जो पूजा है वो सब अलग अलग है। लाइक वट सावित्री व्रत में जो बनते हैं गुलगुले बनते हैं उसमें, और पूड़ी बनती है, जो अठवाई बनती है वो बना रही हूँ। इसके बाद जो घर में पूजा है उसके लिए भजिए बनाए जाते हैं बेसन के, तो वो बनाने अलग से। और इसके अलावा जो सोमवार व्रत की पूजा उसके लिए भी हलवा बनाया जाता है अलग से, दीपक बनाए जाते हैं, वो सब भी बनाने हैं। तो बस वही सब कुछ तैयारी कर रही थी मैं अब यहाँ पे, और बच्चे मेरे आसपास आ के जा रहे थे, ये सब चीज़ें मतलब वो भी देख रहे थे, वो भी इंजॉय कर रहे थे। हाँ, ये बन गई है अठवाई, पसीना देखो मेरे फेस से, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। और ये बन गई है बरगद। आज 3 पूजा एक साथ है घर में, वट सावित्री का व्रत है आज, अखतीज ऐसा कुछ भी है आज, और आज सोमवार भी है, तो सोमवार का व्रत भी रहता है मेरा। तो आज 3 व्रत एक साथ है, 3 पूजा एक साथ है, तो बस उन्हीं तीनों में लगी हूँ। सुबह सारे काम हो चुके हैं, अब किचन का काम हो गया है, और ये मेरे बच्चे। अब लेके चलती हूँ आपको पूजा दिखाने, अब हम लोग जा रहे हैं पूजा करने, देन सीधे जाएंगे मंदिर। तो ये हमारा पूजा का रूम है, ये रूम सबसे अलग है हमारे यहाँ पे, और ये पूजा की तैयारी हो चुकी है, भैया तैयारी करके जा चुके हैं। ओके, तो तैयार मैं हो चुकी हूँ, अब चल रहे हैं हम लोग शिव जी के मंदिर। तैयार मैं हो चुकी, ये साड़ी पहनी है, अगर टाइम बच गया तो रिटर्न आकर वट सावित्री के लिए रेड कलर की साड़ी सोची वो पहन लूंगी, नहीं टाइम बचा तो इसी में पूजा कर ली जाएगी, क्योंकि लेट ऑलरेडी हो गई। घर में कोई नहीं है, कितनी बार बता चुकी, मम्मी भी नहीं है, कोई भी नहीं है, अकेली मैं हूँ, 2 बच्चे हैं, सारा काम है घर में, 3 तो पूजा है आज, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे। तो गुड मॉर्निंग, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अकेली मैं तैयार होती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी उतना टिकटॉक रखती हूँ। वीर आओ दिखाओ, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मैं शिव जी की पूजा करने अब आई हूँ। मैं हर मंडे को यहाँ पे शिव मंदिर आती हूँ पूजा करने के लिए, और इत्तेफाक से इस बार वट सावित्री के दिन भी, मतलब मंडे के दिन ही वट सावित्री हो गया, तो मैं यहाँ पे पूजा करने आई हूँ। और बस वही, बस जल चढ़ाती हूँ, और वैसे मैं पशुपतिनाथ का व्रत रखती हूँ मंडे के दिन। जो लोग भी रखते हैं उन्हें तो पता होगा पशुपतिनाथ का व्रत कैसे रखा जाता है। तो ऑल दो ये वाला व्रत जो है तो साथ में नहीं रखा जाता, लाइक मेरा आज वट सावित्री व्रत है तो ये व्रत साथ में नहीं लगेगा, बट मैंने सोचा मंडे तो पूजा तो मैं कर ही सकती हूँ, तो मैंने इसलिए पहले शिव जी की पहले पूजा कर ली थी, जो नॉर्मल करी जाती है, वही अभिषेक करना और जो जो भी होता है वो सब कुछ मैंने कर लिया था सुबह आकर।
तो घर आने के बाद मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट मिल गए थे, तो उसी बीच में मुझे सबका खाना भी बनाना था, तो मैंने स्पीड के संग अपनी साड़ी चेंज कर ली। मैं बढ़िया अच्छे स्टाइल में पहन के आ गई इस ब्लैक कॉर्सेट के संग, इस अपनी रेड साड़ी को, कॉटन की साड़ी थी मेरी। तभी मुझे अपनी मम्मी की कुछ बातें याद आई, कम से कम आज के दिन तो रह देती हीरोइन बनने को, त्योहार के दिन आ गई काला पहन के। और बस तभी मैंने अपना विचार त्याग कर दिया और देन तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हसीन तुम सबसे जवां। तो बस मैं वैसे ही कुछ सौंदर्य साबुन निर्मा बन के आ गई, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इतना सजने धजने के बाद, इतना तैयार होने के बाद मैं किचन में आ गई खाना बनाने के लिए। मेरी फिंगर कट गई है, अभी दो दिन हो गए, मतलब थंब कट गया मेरा ये वाला नाइफ से, तो वही मैं आपको दिखा रही थी। और इसके बाद मैंने स्पीड के संग, क्योंकि मुझे सिर्फ 20 मिनट का टाइम मिला था, जितनी देर में ये आने वाले थे उतनी देर में मुझे फटाफट खाना बना के रखना था, क्योंकि मैं लेट बहुत ज़्यादा हो चुकी थी ऑलरेडी। तो स्पीड के संग मैंने आटा गूंदा पूड़ी का, देन पूड़ी बनाई मैंने, खाना बनाया सब कुछ। दिखने में जो चीज़ें जितनी ज़्यादा मतलब नॉर्मल दिखती हैं कि वाह क्या बात है, सुबह गई दूसरी साड़ी में आ गई, शाम को आई फिर दूसरी साड़ी में आ गई, इतनी सजी धजी सुबह गई, इतनी ऐसी शाम को आई, तो एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब करने में बहुत ज़्यादा 12 बजती, खुद की भी घर की भी, बस डेडिकेशन होना चाहिए आपको स्ट्रांग वाला, कि नहीं आपको करना है तब आप कर लेते हो। तो बस मेरे अंदर वही था, सब मुझे देख के बोलता रहे यार तुम इतनी थक गई हो, तुम मत करो अभी सब, लेकिन मैंने कर ही लिया। अभी मंदिर से आई है, फिर से मंदिर जाने वाली है। हाँ पूजा की थाली चेंज करके आ जाना है। उस बीच में मम्मा ने सब्जी बना दी बच्चों की, अब रोटी बना रही है। प्राण जाए पर पोज न जाए। तो चलते हैं वो मंदिर के लिए। अब आ चुकी हूँ पूजा करने के लिए। पूजा आपको दिखाती होंगी, जितनी पूजा करूंगी सब कुछ वॉइस ओवर करूंगी, क्योंकि उसमें अब क्या आपको बताऊं कि ये और ये सब जानती है वैसे तो। और उसके बाद फिर मिलते हैं हम आपसे। तो यहाँ वट सावित्री की पूजा मैंने स्टार्ट कर दी। सबसे पहले जल चढ़ाया, हमेशा किसी पूजा को स्टार्ट करने के पहले जल चढ़ाया जाता है। अब इसके बाद वो हल्दी कुमकुम रोली जो जो भी होता है चावल सब कुछ मतलब कीने लगाकर वट के वृक्ष को, और इसके बाद जो घर से जो बना के जब सब कुछ लेके आए थे, जो लेके आए थे, एक है ना जो सीजन का फ्रूट होता है वो लेके आते हैं, अठवई बना के लाते हैं, और बरगद मतलब ऐसे गुलगुले बनते हैं उनको बरगद कहा जाता है, ऐसा मेरी सासू माँ कहती है। एक्चुअली मेरे मायके में ये व्रत नहीं होता है, ससुराल में होता है, बट क्योंकि इस व्रत का बहुत महत्व होता है इसलिए मैं तो यहाँ पर करने लग गई हूँ। और फिर भगवान का नाम लेने में या नियम रखने में हर जी क्या है, जितना भी करो, तो बस मैं वही कर रही हूँ। उसके बाद अगरबत्ती लगाई है, दीपक जलाया है, देन हाथ से हल्दी के मतलब 108 थापे लगाए जाते हैं। अब थापे ही बोलते हैं, मुझे नहीं पता नहीं और क्या कहा जाता है। तो बरगद के पेड़ को वो लगाया जाता है, तो मैं वही मतलब अब इसके बाद वही लगाऊंगी। और इसके बाद फेरे लगाए जाते हैं मतलब इनके, तो फेरे अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने लगाते हैं, 5 लगाते हैं, 7 लगाते हैं, जिसमें जितनी कैपेसिटी हो। दोपहर के 2 बज चुके थे सच बताऊँ तो। पहले मैंने सोचा था कि मैं कह दूंगी कि मैं मॉर्निंग में गई थी इसलिए यहाँ पे कोई नहीं था, मैं अर्ली मॉर्निंग गई थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि पूजा के लिए क्या झूठ बोलना, तो मैंने सोचा कि ठीक है कोई मुझे खा थोड़ी ना जाएगा, मैं बता दूंगी कि यस मैं सारा काम करके फाइनली 2 बजे आ पाई थी पूजा करने के लिए। तो अब इसके बाद मैंने सब कुछ चढ़ा के सब कुछ मतलब श्रृंगार वगैरह जो जो लाते हैं, चूड़ी सिंदूर और बिंदी मेहंदी माहौर लगा के भी आते, मैंने पैर में माहौर लगाया था, वो मैं दिखाना भूल गई क्योंकि सच बता रही हूँ मैं इतना लेट हो जाती हूँ, इतना सारे काम होते हैं, सब कुछ मुझे टोटल A to Z अकेले मैनेज करना, मैं बार बार ये सब चीज़ें क्या बोलूँ मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। और सच बताऊँ मुझे पूजा में भी बार बार इस तरह से कैमरा रखना या कैमरे में दिखा के पूजा करना ये सब चीज़ें मुझे सही नहीं लगती हैं, लेकिन अब क्योंकि मेरा काम ही मैंने इसे बना लिया है तो मैं क्या करूँ, मुझे रखना पड़ता है मजबूरी में, मुझे अंदर से बहुत बुरा लगता है, थोड़ी शर्म सी आती है कि अरे मतलब क्या दिखाओ ये सब, लेकिन फिर भी अब मैं क्या करूँ, मुझे मतलब मेरा काम है ये दिखाना होता है तो मैं बस वही दिखा रही हूँ। और फिर एक तरह से मेमोरी सेव होती जा रही है, लाइक अगर नेक्स्ट ईयर मैं भूल जाऊँ या किसी और का रखना तो कोई इसका रेफरेंस ले सकता है इस वीडियो का, तो बस वही सब कर इसीलिए कर देती हूँ। अब ये वही हाथ से जो 108 थापे लगाते हैं वही लगा रही हूँ। इसके बाद वट के वृक्ष की परिक्रमा ली जाती है और उसके बाद वट के वृक्ष से भेंट लगी जाती है मतलब गले मिला जाता है, तो वही सब कर रही हूँ। और इतना लेट हो गई थी वही बता रही, पहले झूठ बोलने का सोचा फिर नहीं झूठ बोला, मैंने कहा नहीं बोलना मुझे झूठ, जो है सो है।
तो बस अकेली थी मैं पूजा करने, एक दो आंटी लोग और भी थी, बस आगे पीछे होंगे तभी मैंने पूजा करी, बिकॉज मुझे कैमरा रखना था, फिर अच्छा नहीं लगता सबके सामने इस तरह से रखना। तो बस ये पूजा करके और इनकी भेंट लग के फाइनली हाथ पैर लग के इनसे अपने सुहाग की कामना करके, और सभी लोगों को इस बात की मैं विश देती हूँ कि आप सभी लोगों का सुहाग अमर रहे और आपकी जो भी मनोकामना हो वो पूरी हो। ये रहा हमारा बरगद का पेड़, इनकी हमने भेंट लग ली है, इनको सारा श्रृंगार चढ़ा दिया है, पूरी पूजा कर ली है, फेरे कर ली, सब कुछ कर लिया है, और ये है हमारा फुल लुक। इतनी गजब की गर्मी हो रही है, लग रहा है सब तामझाम घर जाके निकाल दूं, पसीने से सारा मेकअप बह गया। और अब हम चलते हैं अपने घर के लिए, मंदिर बहुत बहुत अच्छा मंदिर है ये, थोड़ी सी मंदिर की आपको ग्लिम्स देती जाऊंगी और बस अब यहाँ से निकलेंगे हम लोग। और बस ये सब करके मैं फिलहाल तो घर आ गई थी। ओके, सो पूजा करके अब मैं आ चुकी हूँ, कपड़े देख रहे हो कितने सारे पड़े हैं, सब धो के गई थी मैं। जिन लोगों को लगता होगा ना कि इनके पास कुछ काम ही नहीं है, सजना धजना बस निकल जाना, फिर एक कपड़े चेंज करे फिर कर लिए, मैं मुझसे पूछो सासू माँ नहीं घर में कितने काम होते हैं मुझसे। और अब पूजा करके आ चुकी हूँ, ये रही मेरी थाली, अब मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, तो तो मिलती हूँ थोड़ी देर से पानी वानी पी कर। सो आराम करके आ गई हूँ, कान वान के सब निकाल दिए थे, ड्रेस अभी वही पहन रखी है, मतलब कपड़े भी वही पहन रखे हैं, साड़ी पहनी थी मैंने आज कॉटन की। मेरा रूम बहुत ज़्यादा फैला पड़ा है, बहुत ज़्यादा, वन सेकंड में बैक कैमरे दिखाती हूँ। ओके, तो अब पहले प्लीज़ मेरे रूम को देख के ये मत सोचना कि मैं कितना गंदा रखती हूँ, मैं इतना गंदा रखती नहीं हूँ, लेकिन बस जल्दीबाजी में चीज़ें ले जाना उठाना और बस सब चीज़ें इतनी फैली पड़ी हैं, ये सबको समेटूंगी, इतना ही फैला मेरा किचन पड़ा उसको देखूंगी तो मैं खुद ही शर्मा जाऊंगी, इसलिए वो तो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन हाँ सब कुछ बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो अब सारा काम हो गया है, घर पूरा समेट दिया है, झाड़ू नहीं लगाई है अभी, मतलब फैला रहा सब समेट दिया गया है जितना सब होता है, और मैं बहुत थक गई हूँ। अब मंदिर जाना है दोबारा से शाम की पूजा करने के लिए, मैंने फिर ये कुर्ती पहन ली है और बस अब बिल्कुल हिम्मत कुछ भी करने की नहीं है, बालों की बना ली है छोटी, कुछ नहीं सब कुछ उतार उतर रख दिया है, बिल्कुल हिम्मत नहीं है, प्रसाद बना लिया, अब शाम को जा रही हूँ मंदिर शाम की पूजा करने के लिए, शाम की पूजा दिखाऊंगी कैसी होती है हमारी, और बस दिखाती हूँ इसके बाद तो बस खा के मैं सोऊंगी और मुझे कुछ भी नहीं करना है, तो चलिए दिखाती हूँ। पता नहीं अपनी शक्ल से मैं ऐसी मतलब इतनी पूजा पाठ वाली है सती साधी टाइप्स लगती हूँ कि नहीं लगती हूँ, बट यस मैं बहुत ज़्यादा भगवान पे बिलीव करती हूँ, मैं मतलब इतने सारे व्रत रखती हूँ कि आप लोग शायद विश्वास भी नहीं करोगे, और मुझे भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, ऐसा कोई आडंबर नहीं करती हूँ, पाखंडी नहीं करती हूँ, क्योंकि अब यूट्यूब पर आ गई तो अब दिखाने लगी, अदरवाइज लोगों को पता भी नहीं होता कि कोई व्रत मैं रखती हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल में काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा ये व्रत, ये वीडियो वगैरह देख के सबको अब पता चलता है कि अरे मैं ये व्रत भी रखती हूँ या मैं ये भी सब करती हूँ। तो अभी पशुपतिनाथ की व्रत की पूजा करने में शाम को आ गई हूँ, तो मैं क्योंकि दो व्रत साथ में थे तो इसलिए एक व्रत तो वैसे नहीं होता, बट मेरा क्योंकि पूरे दिन का व्रत था तो मैंने सोचा शाम को भी अब वो पूजा कर ही लेती हूँ। तो इस व्रत में शाम को क्या होता है कि 6 दीपक लेके आते हैं, 5 दीपक मंदिर में आप जला के आते हैं, 6ठा दीपक घर पे आके सीधे हाथ की तरफ जलाते हैं, ऐसी विधि बता रही हूँ अगर किसी को करना हो कभी तो, काफ़ी मतलब माना जाता है कि बहुत मनोकामना पूरी करने वाला व्रत होता है। प्रसाद लेके जाते हैं, उसके 3 हिस्से करते हैं, 2 हिस्से भगवान जी को देके आते हैं, तो प्रसाद में हलवे का बना के ले गई थी, उतना टाइम नहीं था कि मैं बनाते हुए दिखाती और फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा जाता तो क्या मतलब था, 1 हिस्सा मैं घर पे लेके आ गई थी, तो बस अब ये वो हिस्से करके प्रसाद के अब भगवान जी को मैं दीपक रख रही हूँ। वैसे शिवलिंग पे कुछ कहा जाता है कि कुछ रखना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा भाभी बोलती है कि शिव जी को वरना भार लगता है, बट ऐसे सजाने के लिए मैंने रख दिए थे फिलहाल, तो उसके बाद फिर मैंने हटा के दीपक को नीचे रख दिया था और बहुत सुंदर लग रहे थे क्योंकि सजा के, तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना प्यारा लग रहा है, बैक कैमरे दिखाती हूँ। तो बस अब पूजा हो गई है, पूजा के बाद अब मैं सीधे घर के लिए निकलती हूँ, घर जाके वो दीपक जलाना है जो घर के द्वारे पे मतलब राइट हैंड पे जलाया जाता है, तो बस मैं आपको वो दिखाऊंगी, और बस इसके बाद तो मैं हद से ज़्यादा थक गई हूँ, घर जाके खाना भी बनाना भी मुझे शाम का, क्योंकि घर में सबको अभी मतलब सब लोग भूखे ही हैं, तो फिलहाल तो मैंने पनीर मंगवा लिया था, कह रही हूँ उन सब की कुछ रेसिपी कुछ भी सूट नहीं करी क्योंकि इतना वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया था, इतना टाइम नहीं था मेरे पास, तो बस फिलहाल आज के वीडियो के लिए बस मैंने इतना ही रखा था। ओके, तो मंदिर से तो मैं आ चुकी हूँ, बहुत थक गई हूँ, दिख रहा होगा जैसा कि मेरा फेस पे, आह सबसे ज़्यादा फैन ऑन कर लिया जाए,
ओके, अब मैं कुछ खाऊंगी। सबसे पहला काम, मेरा पूरे दिन का व्रत हो गया है, मुझे लग रही है भूख। और मम्मी नहीं है घर में, सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, पूजा पूजा है तो वो भी करना पड़ता है, तो मैं अकेली बहुत थक जाती हूँ। और सिंस मेरा चैनल कोई ब्लॉग चैनल नहीं है, बट थोड़ा सा आप लोगों से कनेक्टेड रहने के लिए, थोड़ा सा आपको अपनी अपडेट देने के लिए कि क्या क्या चल रहा है, मैं बीच बीच में कोई ना कोई ब्लॉग डालती रहती हूँ। तो जिससे जो लोग भी मुझसे परमानेंट जुड़े हुए हैं, जिससे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आते जाते बने रहते हैं, लेकिन जो लोग भी परमानेंट जुड़े हैं एटलीस्ट उनको पता चलता रहता होगा कि लाइफ में भी चल क्या कर रहा है। तो अब बस यही चल रहा है, बहुत बिजी लाइफ चल रही है, बहुत बहुत बिजी रहती है, बस सुबह से लेकर शाम और रात कब होती है मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। मैं इतनी थक जाती हूँ, जैसे अभी मेरी आंखों में दिख रहा होगा, मैं बहुत थक जाती हूँ। तो बस अब मैं अगर चेंज करके मिल पाई आपसे तो ठीक है, वरना यहीं से बाय समझिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय। मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियो बना बना के रखे हैं, उन्हें बस डालना है एक के बाद एक, तो जब टाइम मिल जाए, मतलब सब कुछ एडिटिंग भी करी कराइए, बस वो टाइटल टैग इन सब के चक्कर में रुकी रह जाती हूँ थोड़ा सा, अदरवाइज बहुत हेल्पफुल वीडियो है, आप लोगों को काफी काम आएंगे। तो देखते हैं, मिलते हैं फिर, बाय।